हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे किचन में जो तवा होता है तो वो हम डेली यूज़ में जब उस पर रोटी बनाते हैं और पराठे बनाते हैं तो वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसकी चिकनाई जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जब हम इस पर रोटी बनाते हैं तो वो एकदम से चिपक जाती है और अच्छी सी रोटी बनती नहीं है, नरम रोटी या फिर फूली फूली रोटी नहीं बनती है। तो फिर हम उसको ईंट से घिसते हैं या फिर किसी और चीज़ों से हम उसे घिस कर साफ़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी बहुत ही आसान तरीका जिससे आप अपने तवे को साफ़ करेंगे तो वो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, नए जैसा चमकने लगेगा और आप खुद पहचानेंगे नहीं कि ये आपका वही पुराना तवा है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने तवे को कैसे नए जैसा चमकाएं। पर उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तवे को साफ़ करने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने तवे को गैस पर रख लिया है। गैस पर ही हम तवे को साफ़ करेंगे। तो गैस पर तवे को रखकर मैंने गैस को ऑन कर लिया है और जब तवा हल्का गर्म होगा तो फिर हम इसे साफ़ करना शुरू करेंगे। तो तवे को साफ़ करने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले तवे को साफ़ करने के लिए मैं इस पर, यहाँ पर मैंने नमक लिया है, आप देख सकते हैं खाने वाला नमक है, नॉर्मल नमक। तो इस नमक को मैं इस तवे के ऊपर इसे डाल दूँगी, फैला दूँगी और तवा हल्का हल्का गर्म हो रहा है हमारा। तो तवे पे मैंने नमक को डाल दिया है और तवा गर्म हो चुका है अब हल्का। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैंने, देखिए, नींबू लिए हैं, दो नींबू लिए हैं, उनको मैंने काट लिया है और नींबू और नमक की हेल्प से हम अपने तवे को आज साफ़ करेंगे। तो दो नींबू लिए हैं, इनको काट लिया है और जितने नींबू की आवश्यकता होगी हमें लगेंगे उस हिसाब से हम आगे लेते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आधा नींबू ले लेती हूँ और इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। अब क्या करना है कि नींबू को हमें, और ये नींबू जो मेरे पुराने रखे हुए थे किचन में जो ख़राब होने लगे थे, वेस्ट हो गए थे, तो उन्हीं को मैं आज रीयूज़ करके अपनी एक किचन की चीज़ को भी चमका लूँगी और नींबू जो हमारे जो ख़राब हो रहे थे वो भी यूज़ आ जाएंगे। तो यहाँ नींबू को लेकर हमें तवे पर इस तरीके से रगड़ना है और इसके लिए आप इस तरीके से, अगर ज़्यादा आपका तवा गर्म हो जाए तो आप चक्कू को इसमें लगा कर इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो जो नींबू है उसको हम इस तरीके से उसमें चाकू लगाकर भी कर सकते हैं साफ़, या फिर जो चम्मच आती है जिससे हम मैगी या फिर नूडल्स खाते हैं उस तरीके की चम्मच को लेकर आप साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि तवा ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आपका हाथ जलने लगेगा, तो आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं और तवे को बिल्कुल हल्का गर्म रखें। आप ज़्यादा गर्म हो जाए तो गैस को बंद कर दें, उसके बाद तवे को साफ़ करना शुरू करें। बिल्कुल हल्का गर्म करें आप। यहाँ पर मैंने तवा गर्म हो चुका है तो गैस को बंद कर दिया है और अब मैं इसे बिना गैस जलाए ही साफ़ कर रही हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे मैं दोबारा गर्म कर लूँगी। तो इस तरीके से भी आप साफ़ कर सकते हैं। अगर आपका हाथ जल रहा है तो आप इस तरीके से चाकू लगाकर नींबू में उस तरीके से साफ़ करें। तो ये जो तरीका है बहुत अच्छा है, इससे बहुत आसानी से आपका तवा साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो यहाँ तवा देखिए बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, आप देख सकते हैं इसमें धुआं भी निकल रहा है। तो इसको मैंने बंद कर दिया है और अब मैं इसे बिना गैस जलाए साफ़ करूँगी। अरे ये बंद कर दो। तो यहाँ इस तरीके से मैं इसे रगड़ रगड़ के साफ़ करती जाऊँगी। तवा गर्म रहेगा तो तुरंत आपका साफ़ होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो इसका ओरिजिनल कलर है वो दिखने लगा है। तवा जब नया लाते हैं हमें इस तरीके से दिखता है, तो ये साफ़ होने लगा है, आप देख सकते हैं। और कितना काला काला गंदा जो नहीं होता है वो निकल रहा है, चिकनाई जो है इसमें निकल रही है। तो इस तरीके से आप घुमाते जाइए, तवे को हल्का गर्म रखें। ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप बिल्कुल गैस को बंद कर दीजिए। ऐसा गर्म नहीं रखना है आपको कि आपका हाथ जल जाए या फिर आपको कोई चोट लग जाए, इस तरीके से आपको नहीं करना है। बिल्कुल हल्का तवा गर्म रख के आप करें, जिस तरीके से मैं आसानी से कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा तवा इतना हल्का गर्म है कि मैंने यहाँ पर हाथ से ही इसे कर रही हूँ, किसी चम्मच से या चाकू की सहायता से मैं नींबू को नहीं पकड़ रखा है। तो इस तरीके से आप करें और आप देख सकते हैं कि तवा धीरे धीरे साफ़ हो रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर गैस भी मैंने बंद कर रखा है, अभी तवा गर्म है। तो और ये देखिए जहाँ जहाँ मैं नींबू से रगड़ रही हूँ, नींबू नमक से, तो तवा जो है अपनी ओरिजिनल लुक में आ रहा है और इसकी जो गंदगी है वो बिल्कुल निकल रही है। तो आज हम इसी तरीके से तवे को बिल्कुल नया कर देंगे और चमका देंगे। तो अब तवा जो है हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो इसको एक बार मैं फिर वापस से गर्म कर लूँगी। तो गर्म में ये जल्दी साफ़ होगा और बिना मेहनत के साफ़ होगा। तो एक बार गैस को मैं और ऑन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर गैस को मैंने ऑन कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो एक बार मैं इसे वापस से गर्म कर लूँगी क्योंकि बिल्कुल ठंडा हो चुका है। गर्म करके ही हमें साफ़ करना है, यह बात आप ध्यान रखें कि तवे को जो साफ़ करना है हमें, गर्म तवा ही साफ़ होगा। ठंडा हो जाएगा तो फिर उसमें इतनी आसानी से साफ़ नहीं होगा, आपकी ज़्यादा मेहनत लगेगी।
तो थोड़ा सा तवा और हम गरम होने देंगे। तो तवा अब हमारा गरम हो चुका है, अब मैं वापस से गैस को बंद कर दूंगी और अब इसे नीचे उतार कर फिर साफ करूंगी। तो तवे को अब मैंने नीचे उतार लिया है, गरम हो गया था अच्छे तरीके से, तो इसमें थोड़ा सा नमक मैं और डाल दूंगी। जितना हमें नमक लगता जाएगा हम उस हिसाब से डालते जाएंगे। और यहाँ जो नींबू मैंने दो नींबू लिए थे उसमें से एक नींबू को मैं यूज़ कर चुकी हूँ, दूसरा भी ले रही हूँ और ये बिल्कुल ख़राब से नींबू थे, तो ख़राब नींबू भी हमारे यूज़ में आ रहे हैं सफाई के लिए। तो इस तरीके से मैंने नया नींबू ले लिया है और इस पुराने वाले को मैं हटा दूंगी और नए से फिर से साफ़ करूंगी। तो ये देखिए आप कितना अच्छा साफ़ होते जा रहा है हमारा तवा। और ये गंदगी जो है वो बिल्कुल निकलती जा रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कितना अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गया है, इस साइड से बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो ऐसे ही हम पूरे तवे को साफ़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं तवा बिल्कुल साफ़ हो रहा है हमारा, कहीं कहीं जगह रह गया है थोड़ा सा, बाकी बहुत साफ़ हो चुका है, नए जैसा हो रहा है एकदम। तो इस तरीके से आप उसे रगड़ते रहें और ये साफ़ होता जाएगा। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि तवा जब आपका ठंडा हो जाए तो आप फिर से उसे हल्का सा गर्म कर लें, जैसे कि आप हाथ से आसानी साफ़ कर पाएँ, इतना ही गर्म करें, बहुत तेज़ गर्म ना करें कि आपका हाथ जल जाए, हल्का गर्म करें। तवा गर्म होगा हल्का तभी वो आसानी से साफ़ होगा बिना मेहनत के। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा साफ़ हो गया है और ये कितना गंदा निकल चुका है। और यहाँ देखिए नीचे भी कितना सारा गंदा जो होता है तवे का कालापन होता है वो निकल चुका है। और इस तरीके से हम तवे को पूरा अच्छा चमका लेंगे बिल्कुल नए जैसा। तो अभी तवा हल्का गर्म है तो अच्छे तरीके से साफ़ हो रहा है, फिर ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे वापस से गर्म कर लूँगी और फिर वैसे ही साफ़ करेंगे जैसे हम पहले साफ़ कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं अब जो हमारा तवा है वो पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है और कितना अच्छा साफ़ हो गया है, पहले कितना काला था और अब ये कितना चमक रहा है, कोई बोल नहीं सकता है कि वही तवा है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, बिल्कुल साफ़ हो चुका है ये। और ये कितना मतलब इसका जो पूरा गंदा है वो इसमें आ चुका है बर्तन में, बिल्कुल कालापन जो है इसका साफ़ हो चुका है। और ये जो नींबू से हम साफ़ कर रहे थे बिल्कुल काले हो चुके हैं, इसका जो रस है हमने इसे यूज़ किया था साफ़ करने के लिए, तो बिल्कुल ये देखिए छिलका बिल्कुल काले पड़ चुके हैं। और जो हमने नींबू लिए थे जैसा मैंने आपको बताया था हमें जितने लगे हैं उस हिसाब से हम लेते जाएंगे, तो मैंने पहले दो नींबू लिए थे उसके बाद फिर मुझे दो और लगे हैं। तो ये देख सकते हैं आप ये कितने गंदे हो चुके हैं और जो तवा है हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। तो अब इसे हम धो लेंगे साफ़ पानी से अच्छे तरीके से, विम लगा कर अच्छे से साफ़ कर देंगे और फिर आपको दिखाती हूँ मैं कि कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। तो अब इसे मैं धो लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि तवे को अब मैंने साफ़ पानी से धो लिया है और कितना चमक गया है हमारा तवा, बिल्कुल नया हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पहले कितना काला हो रहा था, बिल्कुल काला काला सा तवा था और अब कितना अच्छा चमक रहा है, एकदम चमकीला हो चुका है बिल्कुल। जब हम मार्केट से नया तवा ख़रीद कर लाते हैं तो वो कुछ इसी तरीके से दिखता है, पर जब हम उसे यूज़ करते हैं घर में तो वो गंदा हो जाता है और काला पड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितने आसान तरीके से घर में जो नींबू हमारे ख़राब हो रहे थे बड़े बड़े उन्हीं से इसे कितने अच्छे तरीके से चमका लिया है और कितना अच्छा साफ़ हो गया है। और यहाँ पर मैंने किसी भी स्क्रब का यूज़ नहीं किया है, किसी ईंट का यूज़ नहीं किया है, ईंट के टुकड़े का या फिर पत्थर का जिससे हम घिसते हैं अक्सर तवे को साफ़ करने के लिए कि वो चमक जाएगा उससे, और वो चमकता नहीं है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बिना ईंट पत्थर और स्क्रब को यूज़ करके सिर्फ नींबू और नमक की सहायता से ही हमने अपने तवे को कितना अच्छा सा चमका लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से साफ़ हो गया है हमारा तवा, बिल्कुल नए जैसा लग रहा है और कितना चमक रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने किचन के तवे को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। और आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। इस तरीके से आप अपने तवे को साफ़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।